Hello, assalamu alaikum everyone. Welcome to Reader online class session. This is Professor Ashi Sajid, and today our topic is excretion and excretion in plants. ओके जी अगेन हम थोड़ा सा शुरू से इंट्रो लेंगे होम्योस्टेसिस का कि होम्योस्टेसिस में हमने कहा था कि जिसमें हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाते हैं बाहर के इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशन से इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं और इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं एक है थर्मो रेगुलेशन जिसमें हम टेम्परेचर को मेनटेन रखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन जिसमें हम वाटर एंड सॉल्ट को मेनटेन रखते हैं एक्सक्रीशन जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करते हैं ठीक है जी हमने होम्योस्टेसिस में ऑस्मो रेगुलेशन को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है होप सो आपको समझ भी आ गई होगी आज जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है हमारे पास एक्सक्रीशन यानी सेकंड कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस तो सबसे पहले देखते हैं एक्सक्रीशन क्या है इसकी डेफिनेशन क्या हुई हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट पर्टिकुलरली नाइट्रोजनस वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन एलिमिनेशन का मतलब है निकाल देना हमने जब मेटाबॉलिज्म आपके सेल के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर होता है तो कुछ उसमें से प्रोडक्ट्स जो हैं उसको आप यूज़ कर लेते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो एज अ वेस्ट के तौर पे आपकी बॉडी में मौजूद होती हैं और वो वेस्ट के अंदर ख़ास तौर पे ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद हो जिसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी ठीक है उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको कहते हैं एक्सक्रीशन ठीक है इसको जानने से पहले ये देखते हैं कि ये वेस्ट प्रोड्यूस कहाँ से होता है या कैसे प्रोड्यूस होता है तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है हाउ वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड वेस्ट कैसे बनता है तो आपको पता है जब हमारे जिस्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दाखिल होते हैं जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं लिपिड्स हैं प्रोटीन्स हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं ये आपके पास चार मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं यानी इसकी सेमिलेशन हो जाती है उसके बाद आपके वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं इस वेस्ट में जब आप कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को तोड़ते हैं तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट निकलता है और वाटर एज अ वेस्ट निकलती है देन वी हैव प्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन इस प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन में हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बाहर निकलता है ये नाइट्रोजनस जो वेस्ट है इनकी कई शक्लें हैं और हर ऑर्गेनिज्म ने इस नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए अलग अलग शक्ल रखी हुई है ठीक है इसको बहुत आसान से ऐसे समझते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म ने नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए अलग अलग फॉर्म्स मौजूद है ठीक है जी अच्छा अब इस नाइट्रोजनस वेस्ट को क्यों निकाला जा रहा है क्यों हम इसको इतनी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं क्यों क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है मीन जहरीला होता है दैट्स वाई इसको रिमूव करना आप पे मस्ट है ठीक है इसको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको रिमूव करें और क्यों ताकि आपके जिस्म से टॉक्सिक लेवल जो है वो कम हो सके एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा कि जो वेस्ट है वो तीन किस्म के होते हैं एक वेस्ट वो है कि जो आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा मौजूद है कुछ आपने यूज़ कर लिया और कुछ एक्स्ट्रा मौजूद है वेस्ट वो भी हो सकता है प्लस वेस्ट वो भी है जो कि बिल्कुल आपने यूज़ ही नहीं किया मीन्स आपकी बॉडी के अंदर यूजलेस पड़ा हुआ है तो वो भी वेस्ट की कैटेगरी में आएगा प्लस कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं जिस तरह अभी हमने नाइट्रोजनस वेस्ट की बात की तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और इनको रिमूव आउट करना बहुत ज़रूरी होता है तो वेस्ट की हम यूँ समझ लें तीन शक्लें हैं एक है कि जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में आपके जिस्म में मौजूद है एक वो जो यूज़लेस है बिल्कुल आपने इस्तेमाल ही नहीं करना उसे पसंद किया और एक है जो बिल्कुल जो है वो टॉक्सिक है जहरीला और आपने उसको बाहर निकाला है अच्छा जी अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जा रहे हैं हमने छोटा सा इंट्रो पढ़ा एक्सक्रीशन का अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे और इसमें से MCQs भी बनेंगे तो बहुत अटेंटिव होकर गौर से इस लेक्चर को समझना है अच्छा इस लेक्चर को या इस टॉपिक को एक बहुत ही आसान एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें जल्दी जल्दी जो है वो समझ आ जाए ठीक है और ज़्यादा हमें बोरिंग लेक्चर जो है वो ना लगे आपको पता है कि जब हमारे अक्सर जो हमारे घर हैं ठीक है आप फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक घर मौजूद है ठीक है इस घर के अंदर जब कूड़ा जमा होता है कूड़ा करकट जमा होता है तो आपके पास दो तरीके होते हैं ठीक है जब आपके घर के अंदर जब वेस्ट जमा होता है तो आप दो तरीके इस्तेमाल करते हैं या उसको शॉपर के अंदर बंद करके घर से ही बाहर फेंक देते हैं ठीक है या आप यूँ करेंगे कि वो उस वेस्ट को उस जगह पे रख देंगे जहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत नहीं है ठीक है जिस तरह हमारे घर में स्टोर रूम होता है हम लोग क्या करते हैं ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होती हम उसको स्टोर रूम में रख देते हैं कि ठीक है जब कभी ज़रूरत पड़ी फिर देख लेंगे ठीक है या हम लोग क्या करते हैं कि उसको शॉपर में बंद करके घर से ही बाहर फेंक देते हैं
यही दोनों चीज़ें हमारे पास प्लांट भी यूज़ करते हैं. प्लांट या तो उसको अपने जिस्म से ही बाहर निकाल देंगे या उसको अपने स्टोर रूम के अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है जी, और जब वक्त आएगा तो उस वेस्ट को रिमूव आउट कर लेंगे. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्लांट्स के पास वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं या वो कौन कौन से वेस्ट है जिसको वो निकालना चाह रहा है. तो सबसे पहले वेस्ट के अंदर जो उसकी पहली चीज़ आती है वो है ऑक्सीजन, सेकेंड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वन इज़ वाटर एंड फोर्थ वन इज़ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ये चार चीज़ें हैं जो प्लांट चाहता है कि मैं अपने जिस्म से रिमूव आउट कर दूँ, ठीक है जी. पहली है हमारे पास ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ से बनेगी, आपको पता है फोटोसिंथेसिस से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एज ए प्रोडक्ट जो है वो निकलती है और जितनी ऑक्सीजन आप यूज़ करना चाहें यूज़ हो जाती है, उसके जितना एक्सेस होता है वो आप रिमूव आउट कर देते हैं क्योंकि प्लांट जो है एक हद तक ऑक्सीजन रख सकता है, उसके बाद जितनी एक्सेस ऑक्सीजन होगी उसको रिमूव आउट कर देगा विद द हेल्प ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है जी. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल प्लांट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो उसको भी रिमूव आउट कर दिया जाता है. कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ गैसियस एक्सचेंज. थर्ड जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के अंदर वो है वाटर, और वाटर जो आपको पता है फोटोसिंथेसिस में भी प्रोड्यूस होता है और रेस्पिरेशन में भी, और इन वाटर को कैसे रिमूव किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, या इसको ट्रांसपायर करवा दिया जाता है या इसको स्टोर करवा दिया जाता है सेल्स के अंदर, और सेल के अंदर कहाँ पे, सेल के वैक्यूल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है. और इससे क्या होता है, सेल जो है वो टर्जिट हो जाता है, और जब वो सेल सख्त या टर्जिट हो जाता है तो उससे क्या मिलता है कि प्लांट की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड होती है, ठीक. तो वाटर को ट्रांसपिरेशन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है और वाटर को आप जो है वो सेल्स के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं ताकि प्लांट की बॉडी को सपोर्ट मिल सके. इसके अलावा जो चौथा हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है वो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के दरमियान जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. इसको भी हम या तो स्टोर कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको रिमूव आउट भी कर सकते हैं. लेकिन कैसे रिमूव करेंगे, क्वेश्चन ये आता है कि आपने ये चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को आप गैसियस एक्सचेंज के थ्रू रिमूव कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी गैसियस एक्सचेंज के थ्रू, वाटर को आपने ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में निकाल दिया है या तो उसको सपोर्ट करवा रहे हैं आप लोग स्टोर करके, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे बाहर निकालेंगे, ठीक है, या इनको स्टोर करने का क्या तरीका है, ठीक है जी. तो ये हम देखेंगे अपने इस नेक्स्ट टॉपिक में. इसमें है कि स्टोरेज हम जो है वो कैसे जो है वो प्लांट के अंदर कर सकते हैं इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में. तो सबसे पहले हमारे पास तरीका आता है वैक्यूल. आपको पता है कि जो हमारे पास प्लांट सेल है इसके पास एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, ठीक है, और ये वैक्यूल समझ लें इसका स्टोर रूम है. अभी हमने क्या बात की थी कि या तो हम वेस्ट को घर से ही बाहर निकाल देते हैं या उसको स्टोर रूम के अंदर रख देते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है हम उसे रिमूव आउट कर देंगे. तो यूँ समझ लें कि जो हमारे पास वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो ऑक्सीजन है इसको हमने घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने स्टोर रूम में रखनी है और वो स्टोर रूम हमारे पास क्या है, वैक्यूल है. तो ये वैक्यूल जो है ये स्टोर करता है, यूज़फुल प्रोडक्ट्स को भी स्टोर कर सकता है जब ज़रूरत पड़े और वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर कर सकता है जब इसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है जी. लेकिन ये चीज़ आपने देखनी है कि जब वैक्यूल के अंदर आप वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा भरना शुरू कर दें तो वहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, या सिंपल यूँ कहें कि जब वेस्ट प्रोडक्ट वैक्यूल के अंदर कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो जाते हैं तो तब हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी. तो पहला स्टोरेज जो हमारे पास स्टोर रूम है वो हमारे पास क्या है, प्लांट के अंदर वैक्यूल है. सेकेंड आता है जी हमारे पास लीव्स, ठीक है जी. ये लीव्स जो है आपको पता है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मेजर या प्रोमिनेंट ऑर्गन है प्लांट के अंदर और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वेस्ट को रिमूव आउट करने के लिए. अब कैसे होते हैं, आपको पता है जब ऑटम सीजन आता है या ख़जान का मौसम आता है तो पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं या फॉल ऑफ हो जाते हैं प्लांट की बॉडी से. तो वो क्यों होते हैं, ये ऐसा क्यों है कि एक प्रॉपर सीज़न है प्लांट के पास कि जब वो एक टाइम के अंदर अपने पत्ते जो है वो गिरा देता है. वो क्यों गिराता है, वो इस वजह से क्योंकि उन लीव्स के अंदर उसने स्टोर को वेस्ट किया होता है, ठीक है. उस ऑटम सीजन के आने से पहले पहले वो सारा वेस्ट जितना उसे निकालना होता है वो लीव्स के अंदर स्टोर कर देता है, और जैसे ही ऑटम सीजन आते हैं वो लीव्स क्या हो जाते हैं, वो फॉल ऑफ हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं, ठीक है जी. अच्छा, गिर जाते हैं, ठीक हो गया. अब
जब ज़मीन पे गिर गए तो अब हमने भी तो कोई फ़ायदा उठाना है उससे। तो क्या होता है कि जो माली हजरात होते हैं वो इन लीव्स को कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन लीव्स के अंदर वेस्ट की फॉर्म में हमारे पास कुछ मिनरल्स भी मौजूद होते हैं और कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं कि जो अगर हम छोटे ग्रोइंग प्लांट्स को खाद के तौर पर दें तो वो उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो उन्हें गिरा देते हैं वेस्ट समझ के, और कुछ प्लांट्स इन्हीं वेस्ट से फिर फ़ायदा भी उठाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन ये है कि जो ये लीव्स हैं ये येलो क्यों होते हैं। ठीक है, या ये देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि जो मैंने पिक्चर यहाँ पे शो की है, यहाँ पे पहले ग्रीन है, देन लाइट ग्रीन हो गया, फिर येलो आ गया, फिर इसमें हल्का ऑरेंजिश आ गया, रेड आ गया, डार्क रेड आ गया, एंड देन मैरून जो है वो कलर आ गया। ये डिफरेंट कलर्स क्यों शो हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जब हमने इस इन लीव्स को माइक्रोस्कोपिक स्टडी के थ्रू देखा तो हमें ये पता चला कि ये जो कलर आपको नज़र आ रहे हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि इनके अंदर जो वेस्ट स्टोर हैं ये पिगमेंटेड है। पिगमेंटेड मीन रंगदार है, ये वेस्ट भी रंगदार है, दैट्स वाई आपको लीव्स के अंदर वैरायटी ऑफ कलर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और ज़्यादातर हमारे पास पिगमेंटेड वेस्ट किस फॉर्म में होते हैं, ये हैवी मेटल्स की फॉर्म में होते हैं, दैट्स वाई आपको येलो कलर नज़र आता है लीव्स का। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और आपको याद होगा जब फर्स्ट ईयर में मैंने आपको क्लोरोसिस एक डिजीज़ पढ़ाई थी, उसके अंदर भी येलोइंग ऑफ लीव्स होती है। तो क्या ये ऑटम के जो लीव्स होते हैं क्या उनमें भी क्लोरोसिस होती है, क्योंकि अभी हमने बात की है कि ये भी येलो कलर के हो जाते हैं, तो क्या इनके अंदर क्लोरोसिस होती है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं। जो हमारे पास क्लोरोसिस है या जो येलोइंग ऑफ लीव्स है ये क्लोरोफिल के कम होने की वजह से होता है, जबकि ये जो येलोइंग ऑफ लीव्स है ये हैवी मेटल्स यानी पिगमेंटेड वेस्ट के स्टोर होने की वजह से येलो कलर होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने कन्फ्यूज नहीं करना, क्लोरोसिस क्लोरोफिल के कम होने की वजह से होता है और ये एक बीमारी है। ठीक है, जबकि ये जो पतझड़ का मौसम आता है जिसमें लीव्स जो हैं वो गिर जाते हैं वो एक बीमारी नहीं है, जबकि ये एक इनकी सीजनल एक्टिविटी है जो कि एक प्रोसेस है जिसमें एक वेस्ट को अपने आप को रिमूव कर सकते हैं। दैट्स वाई हम इन लीव्स को एक्सक्रीटोफोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटो मीन वेस्ट एंड फोर मीन टू बियर। ठीक है, मीन्स ऐसे ये हमारे पास लीव्स हैं जो कि जो हमारे पास वेस्ट को अपने अंदर भर लेते हैं और देन एक सीज़न आता है या एक टाइम आता है, मखसूस पीरियड आता है जिसके अंदर ये इसको फॉल ऑफ कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं कि क्लोरोसिस के अंदर जो लीव्स येलो होते हैं उनका क्या मकसद है, या एक्सक्रीटोफोर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास, जो हमारे पास अगला स्टोर रूम है वो है हमारे पास बल्ब। ठीक है जी, अब ये बल्ब क्या है? ये खास तौर पे उन्होंने एग्जांपल दी है ब्लू बेल फ्लावर्स की, जिसके अंदर बल्ब जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब ये बल्ब क्या है? ये एक छोटी सी स्वेलिंग होती है, इसके अंदर जो है वेस्ट को जो है वो स्टोर किया जाता है, और ये जो बल्ब है एक छोटी सी डंडी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है। इनका भी एक खास पीरियड होता है जब इस बल्ब को जो है ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस बल्ब को रिमूव कर दिया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेस्ट स्टोर था, और जब इस बल्ब को रिमूव कर देते हैं तो इस तरह ये अपने एक्सक्रीट जो वेस्ट प्रोडक्ट है इससे निजात पा लेते हैं। तो दैट्स वाई ये जो बल्ब हैं ये क्या है? एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द स्टॉक ऑफ बल्ब। स्टॉक का क्या मतलब है? एक डंडी है जिसके थ्रू ये बल्ब जुड़ा हुआ है, और इसमें एग्जाम्पल क्या आती है? ब्लू बेल। ठीक है जी, और हम इसको ब्लू बेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके जो लीव्स हैं वो बेल शेप के होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी बाय हार्टवुड। अब ये हार्टवुड क्या है? हमारे पास जो नेक्स्ट स्टोर रूम है वो हमारे पास हार्टवुड है, और ये हार्टवुड ज़ाइलम बनाता है। अब ज़ाइलम की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक ज़ाइलम पुराना और एक ज़ाइलम नया। जो ज़ाइलम पुराना हो जाता है वहाँ पर कंडक्शन ऑफ वाटर फिर ख़त्म हो जाती है, मीन्स ज़ाइलम पुराना हो गया तो उससे काम लेना भी हम छोड़ देते हैं, मीन्स उसको वाटर की कंडक्शन से इस्तीफ़ा कह देते हैं कि भाई अब तुमने वाटर की कंडक्शन नहीं करनी। ठीक है, तो जो हमारे पास हार्टवुड है या जो हमारे पास पुरानी ज़ाइलम है जिसको हमने रेजिग्नेशन जो है वो दे दी है, उसको हम हार्टवुड का फिर नाम देते हैं, या इसे हम ओल्ड ज़ाइलम भी कहते हैं। अब ये जो अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं इनके बीच में ये डार्क एरिया होता है, और साइड पे जो है वो हमारे पास लाइट एरिया होता है। तो ये हार्टवुड क्या है? कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे ज़ाइलम ने कंडक्शन रोक दी है, और अब जाहिर सी बात है इसको भी तो हमने यूज़ में लाना है।
ٹھیک ہے، بے شک ہمارے پاس یہ ایریا ناکارا ہے، لیکن اس کو بھی ہم مزید استعمال کر سکتے ہیں. کیسے؟ کہ اس کے اندر ویسٹ جو ہے وہ اسٹور کر سکتے ہیں. اس کے اندر اگر ہم ویسٹ کو اسٹور کروا دیں تو یہ ہمارے پاس ایک اچھا سورس ہو سکتا ہے ویسٹ کو ریمو آؤٹ کروانے کا. ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں پہ آپ چھوٹی سی ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایسا ایریا جہاں پہ یہ نان کنڈکٹنگ پورشن ہے اس کو آپ ہارڈ وڈ کہیں گے، اور جس سائڈ پہ جو ہمارے پاس نیو زائلم ہے جو کہ اسٹل کام کر رہی ہے فار دا کنڈکشن آف واٹر، تو ہم اس کو سیپ وڈ کہیں گے. تو ایسے پلانٹس جس کے اندر آپ کو ہارڈ وڈ بھی نظر آئے اور سیپ وڈ بھی نظر آئے، اس کو ہم ایبونی کہتے ہیں. اور یہ بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے. وہ کہیں گے کہ ایبونی کس کو کہتے ہیں یا ایبونی کیسے پلانٹس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ بتائیں گے کہ ایبونی ایسے پلانٹس کو کہتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ واٹر کی کنڈکشن نہیں ہوتی اور پھر ہم اس کے اندر ویسٹ کو اسٹور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ڈائیگرام ہے، یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں، لیکن ضرور بنانی ہے. اچھا جی، جو پانچواں ہمارے پاس اسٹور روم ہے وہ ہمارے پاس آتی ہیں پلانٹس کی روٹس. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس یہ روٹس آ گئیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو روٹس ہیں یہ بھی اپنے ویسٹ کو سیکریٹ آؤٹ کرتی ہیں. اچھا، اب ان جو روٹس جو ہیں جب اپنے ویسٹ کو نباہی نکالتی ہیں تو انہیں دو فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ویسٹ سے جو ہے وہ نجات پا لیتی ہیں. سیکنڈ، کہ ان کے ویسٹ میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ان کے آس پاس پلانٹس جو ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو نقصان تو ان کو پہنچ رہا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا کمپٹیشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو آس پاس کے جب پلانٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو ان کے لیے وافر مقدار میں پانی بھی ہوگا، منرلز بھی ہوں گے، تو یہ ایزیلی جو ہے وہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. اس میں ایگزامپل آتی ہے کونیفرز. ٹھیک ہے جی، تو آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے پانچ امپورٹنٹ اسٹوریج آرگنس پڑھے ہیں جو ہمارے پاس ویکیول ہے، لیوز ہیں، اور لیوز یلو کیوں ہوتے ہیں، کلورسز میں کیا ڈفرینس ہے، بلب اور ہارٹ وڈ، اور نیکسٹ جی ہمارے پاس روٹس. ٹھیک ہے جی، تھینک یو فار لسننگ.